Hi guys, good morning and welcome back to my another vlog, another video. Hope you all are doing good and great as well. So, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि हम लोग जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम मूली से. सो यस, आज हम बनाने वाले हैं मूली की भुजिया या मूली के पत्तों की सब्जी, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो. अब अगर आप लोगों ने खाई हुई है तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर नहीं खाई है तो वीडियो को देखिएगा और घर में ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनती है. और गाइस, ये जो सब्ज़ी बनाई जाती है ये बेसिकली मूली और मूली के पत्तों को मिक्स करके बनाई जाती है, और थोड़ी सी इसके अंदर दाल मिला के हम लोग बनाते हैं. अब पूरा क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और बिना स्किप करे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. और ये बनाई भी जो अब ये वाला जो सीज़न चल रहा है, जैसे अब हल्की हल्की सर्दी आने लग गई है, हल्की हल्की ठंड का वेदर जो स्टार्ट हो गया, इस सीज़न की जो मूली आती है इसकी सबसे बेस्ट बनती है ये. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट भी करना. तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिना स्किप करे वीडियो को देखना. सो चलो गाइस, हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं मूली की भुजिया बनाने की रेसिपी. बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बनती है और बहुत ही लाजवाब ये होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने मूली के पत्ते लिए हुए हैं जिनको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर रखा है. तो ये 1 किलो मूली के पत्ते हैं जिसके अंदर एक मूली मैंने पूरी ऐसे बारीक चॉप करके डाली हुई है. तो आप इसके अंदर मूली के पत्तों के अंदर एक मूली आप ज़रूर डालें. 1 किलो मैंने लिया है तो मैंने एक मूली डाली, मुझे ज़्यादा ओवर पावर नहीं करना है इसके टेस्ट को. इसलिए यहाँ पे मैंने ली हुई है थोड़ी सी मूंग की दाल छिलके वाली, इसको मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगा के रखा हुआ है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कुक करना है. हमें इसे करना है बॉईल प्रेशर कुकर के अंदर. प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल करते वक्त हमें इसके अंदर ज़रा सा, बहुत नाम मात्र को पानी डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसके अंदर हमने मूली डाली है वो पानी छोड़ेगी. तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं. सो सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम थोड़े से पहले पत्ते डालेंगे नीचे. सबसे पहले अब बीच में हम इसके अंदर थोड़ी सी हमारी जो दाल है भिगी हुई, जिसको हमने जिसका पानी हमने निकाल दिया, थोड़ी सी हम वो डालेंगे. देन ऊपर से हम और पत्ते इसके ऊपर ऐड कर देंगे. थोड़ी सी दाल और बची हुई है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. सब कुछ ऐड करने के बाद में इसके ऊपर हम जस्ट इतना सा, बहुत थोड़ा सा हम पानी ऐड कर दे रहे हैं. अब हम इसको बंद करके फटाफट से 1 सीटी हमें लगानी है, 1 सीटी में ये कुक हो जाएगा. अब हम इसको प्रेशर कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पर. सो ये मैंने कुकर निकाल लिया है गाइस, 1 सीटी में आ चुकी है. एक बार हम इसका ये स्टीम निकाल लेते हैं, फिर आप लोगों को एक बार ओपन करके दिखाती हूँ. सी कुछ इस सब कुछ इस फॉर्म में ही आ जाएगा. देख सकते हो कि बिल्कुल ज़रा सा हमने इसके अंदर पानी डाला था, और अभी भी इसके अंदर पानी है क्योंकि मूली ने पानी इसके अंदर छोड़ दिया है काफ़ी. तो ये हमारी हो चुकी है परफेक्टली कुक इस तरीके से. अब इसको हम ड्रेनर से एक बार ड्रेन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका तड़का स्टार्ट करते हैं. ये मैंने इसको ड्रेनर से अभी निकाल लिया है, जिससे कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो जाए, और उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में हम इसको फिर तड़केंगे. आप देख सकते हो कि कितनी कम कंसिस्टेंसी क्वांटिटी हो गई है, और मूली जो मैंने एक इसके अंदर डाली थी वो भी वाइट कलर कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर, और दाल भी प्रॉपरली कुक हो चुकी है जो हमने इसके अंदर दाल डाली थी. तो ये सारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है. अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसका तड़का लगाते हैं. सो गाइस, अब हमें क्या करना है, ये हमने ड्रेनर में डाली हुई थी, ये अब ठंडी हो चुकी है, तो अब हमें इसे निचोड़ के, मतलब इसका अच्छे से पानी निचोड़ के हमें इसे सेपरेट करना है. गर्म है अभी भी थोड़ी थोड़ी, तो बड़ी केयरफुली हमें करना है. थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ.
इस तरीके से ड्राई फॉर्म में हमें इसे निकाल लेना है। अभी आप देख सकते हो कि स्टीमी हॉट है ये एज यूजुअल, गरम है। अभी 2 मिनट वेट करती हूँ गाइज, मेरे हाथ भी लाल हो गए क्योंकि ये गर्म है बहुत ज़्यादा। सो एक्चुअली गाइज ये ठंडी नहीं हुई थी तो मैंने इसको एक बड़ी प्लेट के अंदर ऐसे फैला दिया जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो जाए और हम इसको जल्दी से फटाफट से इसका जो पानी इसके अंदर रह गया उसको अच्छे से हम ड्रेन कर सकें। सो ये अब ठंडी हो चुकी है, अब हम फटाफट से इसको ड्रेन कर लेते हैं। बिल्कुल टाइट हाथों से गाइस इसे ड्रेन करना है। तो इस तरीके से इस तरीके से हमें इसको ड्रेन कर लेना है, आप देख सकते हो। इस तरीके से सूखा सूखा करके हमें इसको साइड कर लेना है। एक बार मैं सारा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमारे पास में आ गई है। जितना पानी इसके अंदर था जो कि एक्सेसिव वाटर था वो हमने ड्रेन कर दिया हाथों से। अब हम इसका तड़का बनाते हैं। सो यहाँ पे गाइज मैंने कढ़ाई रख दी है और इसको आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं क्योंकि जो इनका सब्जियों का स्वाद होता है वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। वैसे ये सरसों के तेल में बनती है बट क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और हम सरसों का तेल नहीं यूज़ करते हैं इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। नॉन स्टिक में इसका कोई मज़ा नहीं है, इसको आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। मतलब सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ तो आप सारी ही लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो चलो ऑयल हमारा यहाँ पर हो चुका है गर्म, फटाफट से हम इसके अंदर डालेंगे। आधी चम्मच हम डाल रहे हैं सबसे पहले इसके अंदर मेथी दाना, आधी चम्मच मेथी दाना डालेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे होल रेड चिलीज़। ये स्पाइसी नहीं होती हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्ची जो आती है ये वो वाली होल मिर्ची है। सो मेथी और मिर्ची पकने के बाद में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ग्रीन चिलीज भी जब हमारी हाफ कुक हो जाएंगी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच, एक चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक बार इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फाइनली हमारी मूली की मिर्चियाँ। इसको अच्छे से एक बार चलाएंगे। जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट।
तो देखिए मूली जो होती है वो खुद भी थोड़ी सी नमकीन होती है टेस्ट में, और उसके पत्तों में भी नमकीन टेस्ट होता है। तो आप सॉल्ट बिल्कुल अपने हिसाब से डालें, मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर कम ही नमक पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो, हमारे यहाँ जैसा खाते हैं मैंने उस हिसाब से इसके अंदर ऐड किया है। मैंने एक छोटा चम्मच सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अब हमें इसे भूनना है गैस, स्लो फ्लेम पे ये कुकिंग प्रोसेस रहेगा आपका। अब हमें इसको कम से कम 7-8 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही भूनना है स्लो फ्लेम। तो अब आप देख सकते हो गाइस धीरे धीरे ये कलर चेंज करने लग गई है, हमने हरा डाला था लेकिन इसका कलर अब हल्का हल्का चेंज हो रहा है। लेकिन अभी हमें इसे हटाना नहीं है, अभी हमें इसे कुक करना है कम से कम 7 मिनट्स। मैंने आपको बोला 7 मिनट्स आप इसको कुक करेंगे क्योंकि हमें इसे भूनना है, क्योंकि प्रोसेस तो कुकिंग प्रोसेस तो कंप्लीट है क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया था। लेकिन अभी क्या है, सारा मज़ा इसके अंदर जो है वो भूनने का है। जब ये दाल इसके अंदर जो हमने डाली है ये भून जाएगी तो इसका एक अच्छा सा क्रंच आएगा। तो अब हमें इसे मेन भूनने का है जो भी हमारा प्रोसेस है। गाइस अभी धीरे धीरे भूननी स्टार्ट हो गई है, और आप इसकी क्वांटिटी भी देखोगे कि पहले के मुकाबले कितनी कम हो गई है। जब हमने इसे बनाना शुरू किया था तो कितना सारा था ये, और पकने के बाद में इसकी क्वांटिटी और भुनने के बाद में इसकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो ये हो चुकी है हमारी कुक। आप कलर देखोगे एकदम कलर इसका चेंज हो चुका है और क्वांटिटी भी बिल्कुल कम हो चुकी है। तो अब फटाफट से हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। और गाइस इसको आप पराठा, रोटी किसी के साथ में भी आप इसको खा सकते हो। बेसिकली तो ये सर्दियों में बनाई जाती है और ये पराठों के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशन इसका अच्छा होता है, बट आप रोटी के साथ में भी इसको खा सकते हो। इसे एक बोल में कर लेंगे ट्रांसफर। तो ये गाइस हमारी मूली की डिलीशियस सी भुजिया बनके हो चुकी है रेडी, और बोले तो मूली के पत्तों की भुजिया बनके हो चुकी है रेडी। और आप देख सकते हो कितना सुंदर इसमें कलर आया है, ग्रीन कलर का हमने डाला था बट कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऊपर मैंने ये जो हमने इसके अंदर होल रेड चिलीज डाली थी उससे मैंने इसे गार्निश कर दिया है, और इसके अंदर कुछ भी धनिया पत्ती वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये अपने आप में ही इतनी डिलीशियस होती है, इतनी चटपटी और मज़ेदार होती है कि आपको कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्डिमेंट्स मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलना। और आप इसका कलर देखो गाइस कितना सुंदर आया है। आप इसको पराठे के साथ में, चपाती के साथ में, किसी के भी साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। हमारे घर में तो सब लोग इसको मूली की भुजिया और मूली के पराठे, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है मेरे घर में, तो सब लोग मतलब ऐसे ही खाते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। सो तब तक बने रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।